क्लास 9th मैथ चैप्टर फर्स्ट एक्सपोनेंट्स एंड पावर वाला टॉपिक अभी हमारा चलेगा। एक्सरसाइज 1.6 पे ये डिपेंड है एनसीईआरटी की। हम इसे अभी कर रहे हैं आरडी से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है अभी जो हम करेंगे वो आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है और वो क्वेश्चन है रूट एक्स पावर माइनस टू इंटू वाई पावर थ्री। सबसे पहले तो देखो पावर में अगर माइनस टू है तो आप क्या करोगे, अपॉन में ले लोगे, यानी बड़ा सा रूट वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई पावर थ्री। ये जो रूट है बड़ा सा इसका मतलब होता है पावर वन बाय टू, यानी इस पूरे की पावर वन बाय टू, वन अपॉन एक्स पावर वन बाय टू इंटू वाई पावर थ्री पावर वन बाय टू। ये जो एक्स स्क्वायर है ये पावर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वन बाय टू इंटू वाई थ्री मल्टीप्लाई वन बाय टू, टू से कैंसिल टू, वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाई वाई थ्री अपॉन टू। एक साथ अगर इसे हमें लिखना है तो हम लिखेंगे वाई पावर थ्री अपॉन टू अपॉन में एक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगी इस क्वेश्चन की। इसका सेकंड पार्ट है एक्स पावर माइनस टू बाय थ्री इंटू वाई पावर माइनस वन बाय टू और होल पावर टू। मल्टीप्लाई है तो ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगी और इससे भी, एक्स माइनस टू अपॉन थ्री मल्टीप्लाई ये वाली पावर इंटू वाई माइनस वन अपॉन टू मल्टीप्लाई ये वाली पावर। टू टू जा फोर, एक्स पावर माइनस फोर बाय थ्री इंटू टू से टू कैंसिल वाई पावर माइनस वन। ये माइनस है तो ये अपॉन में हो जाएगा, वन अपॉन एक्स पावर फोर बाय थ्री इंटू वन अपॉन वाई, यहाँ भी माइनस है तो अपॉन में, तो इसमें आंसर आ जाएगा वन अपॉन एक्स पावर फोर बाय थ्री इंटू वाई, ये आपका आंसर है। थर्ड देखो, थर्ड पार्ट आपके पास है रूट एक्स पावर माइनस थ्री और पावर फाइव। एक्स पावर माइनस थ्री यानी वन बाय थ्री, वन बाय एक्स पावर थ्री, माइनस है तो अपॉन में कर दिया, रूट के लिए पावर में वन बाय टू लगा दिया और इसके भी पावर में क्या है हमारे पास फाइव है। तो तीन पावर है एक्स पे, पहली थ्री है फिर वन बाय टू और फिर फाइव, सारी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी वन अपॉन एक्स थ्री मल्टीप्लाई वन बाय टू मल्टीप्लाई फाइव। फाइव थ्री जै फिफ्टीन बाय टू, वन अपॉन एक्स पावर फिफ्टीन बाय टू, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपको सोल्व करना है। सपोज फोर्थ पार्ट 16 मल्टीप्लाई टू पावर एन प्लस वन माइनस फोर मल्टीप्लाई टू पावर एन अपॉन 16 मल्टीप्लाई टू पावर एन प्लस टू माइनस टू मल्टीप्लाई पावर एन टू मल्टीप्लाई टू पावर एन प्लस टू, ये क्वेश्चन है बेटा। तो इसे तो सबसे पहले कोशिश करो टू की पावर्स में हम इसे लिख लें। तो टू की पावर में कैसे लिखेंगे, जो 16 है मैं 16 होता है टू पावर फोर मल्टीप्लाई एज इट इज लिख लो टू पावर एन प्लस वन, माइनस फोर होता है टू पावर टू मल्टीप्लाई टू पावर एन एज इट इज लिख लो अपॉन में 16, फिर दोबारा टू पावर फोर मल्टीप्लाई टू पावर एन प्लस टू माइनस टू, यानी टू पावर सिर्फ वन है मल्टीप्लाई टू पावर एन प्लस टू। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो इन दोनों की जगह इस ये जो मैं दिखा रहा हूं ये हो जाएगा टू पावर फोर प्लस एन प्लस वन माइनस, यहां भी बेस सेम है तो पावर ऐड, टू पावर टू प्लस एन अपॉन, यहां भी बेस सेम है तो पावर टू फोर प्लस एन प्लस टू और ये माइनस एज इट इज नीचे टू बेस में वन प्लस एन प्लस टू, वन प्लस एन प्लस टू। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा टू पावर फोर प्लस वन फाइव, तो एन प्लस फाइव माइनस टू पावर एन प्लस टू अपॉन टू पावर सिक्स प्लस एन यानी एन प्लस सिक्स माइनस टू पावर एन प्लस थ्री। आप देखो ये एन प्लस फाइव है, ये एन प्लस सिक्स है, एन प्लस टू एन प्लस थ्री है,
तो नीचे वाले पूरे डिनोमिनेटर में एक पावर ज्यादा है ऊपर के कंपैरिजन में, तो नीचे से हम एक टू कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर तो एज इट इज रहेगा 2 पावर n+5 माइनस 2 पावर n+2 अपॉन नीचे 2 पावर n+6 को मैं n+5+1 लिख सकता हूँ। 5+1 लिखूंगा तो जो 2 पावर 1 है उसमें से 2 कॉमन ले लूंगा, यानी 2 कॉमन लेने के बाद मेरे पास नीचे बचेगा, ये सीखने वाली चीज है, नया समझ में आए तो पूछना, n+6 की जगह अब n+5 बचेगा क्योंकि मैंने 1 2 कॉमन ले लिया, यानी 2 की 1 पावर मैंने कॉमन ले ली। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर ऐड हो जाएगी, n+6 दोबारा हो जाएगा, फिर ये माइनस साइन एज इट इज। इस पूरे में से भी 1 2 कॉमन ले लिया, 2 कितनी बार था, n+3 टाइम्स था, एक बार बाहर ले लिया तो n+1 कम, यानी 2 पावर n+2 पावर 1 कम हो जाएगी। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, सेम है तो आपस में पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ आपके पास बचता है 1/2 आपका आंसर है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी तरह का सोल्व करना है, आपके पास है एक्स पावर है ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, ये एक्स पावर में है, एक्स की पावर है ये सब, और अपॉन में एक्स पावर है बी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में ए माइनस सी, फिर डिवाइड का साइन, एक्स पावर बी अपॉन एक्स पावर ए और होल की पावर आपके पास सी है, आपको शो करना है कि वो उसका आंसर 1 है, ये आपको शो करना है, शो दैट। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखना, ये जो पहले जो सारा लिखा हुआ है पहले मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूं लेफ्ट साइड को, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स पावर में ए ब्रैकेट में बी माइनस सी, तो ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी हो जाएगा, तो ए बी माइनस ए सी अपोन ऐसे ही नीचे एक्स पावर ए बी बी इंटू ए बी माइनस बी सी, फिर डिवाइड एक्स ये सी यहां भी पावर इस पे भी आएगी और इस पे भी पावर बी सी अपोन एक्स पावर ए सी। अब बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो एक ही बार एक्स लिखो, पहले ऊपर वाली पावर लिखो ए बी माइनस ए सी, फिर माइनस, फिर नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी, नीचे वाली पावर क्या ए बी माइनस बी सी, फिर डिवाइड का साइन है, फिर एक ही बार एक्स लिखेंगे पावर बी सी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए सी, पावर को सिंप्लीफाई करेंगे एक्स ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी सी, डिवाइड एक्स बी सी माइनस ए सी, ए बी और ए बी ए प्लस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल, एक्स पावर माइनस ए सी प्लस बी सी, डिवाइड एक्स पावर बी सी माइनस ए सी, डिवाइड है बेस सेम है तो पावर फिर माइनस हो जाएंगे, यानी एक्स पहले ये लिखेंगे माइनस ए सी प्लस बी सी, फिर माइनस ये वाली पावर लिखेंगे बी सी माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा ए सी, माइनस ए सी से प्लस ए सी कैंसिल, प्लस बी सी से माइनस बी सी कैंसिल, एक्स पावर जीरो, और किसी की भी पावर जीरो होती है तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है 1 इक्वल टू आर एच एस, हमने ये शो कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसी तरह से आपको प्रूव करना है एक्स पावर ए प्लस बी, ये पूरा ब्रैकेट में और इसकी पावर में 2 है, फिर इंटू में एक्स पावर बी प्लस सी, ये पूरा ब्रैकेट में है और पावर में इसके भी 2 है, फिर एक्स पावर सी प्लस ए पूरा ब्रैकेट में और पावर 2 अपॉन एक्स पावर ए इंटू एक्स पावर बी इंटू एक्स पावर सी और ये तीनों ब्रैकेट में पावर 4, इसको भी आपको 1 शो करना है। तो जैसा हमने बात की पावर की भी पावर है तो ये पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो एक्स 2 मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी से, और ऐसे ही आगे एक्स 2 मल्टीप्लाई होगा बी प्लस सी से, और एक्स 2 मल्टीप्लाई होगा सी प्लस ए से, और नीचे एक्स 4 मल्टीप्लाई होगा ए से 4a इंटू एक्स 4b इंटू एक्स 4c, ऊपर बेस सेम है तो तीनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो तीनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो एक्स 2a प्लस 2b 2a प्लस 2b प्लस में 2b प्लस 2c प्लस में 2c प्लस 2a और नीचे मल्टीप्लाई है तो ऊपर की यहां भी तीनों पावर ऐड हो जाएंगे, एक्स 4a प्लस 4b प्लस 4c,
ऊपर एक्स टू ए प्लस टू ए फोर ए प्लस टू बी प्लस टू बी ये टू बी और ये भी टू बी फोर बी प्लस टू सी प्लस टू सी फोर सी अपॉन में भी यही है एक्स फोर ए प्लस फोर बी प्लस फोर सी। वैसे तो ऐसे कैंसिल करके भी वन ले आओ लेकिन पावर की फॉर्म में लिख रहे हैं तो वैसे ही दिखाते हैं एक्स डिवाइड हो रहे हैं तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस यानी फोर ए प्लस फोर बी माइनस प्लस में फोर सी माइनस फोर ए माइनस फोर बी माइनस फोर सी यानी एक्स पावर जीरो और किसी की पावर जीरो वन किसके इक्वल आ गया आर एच एस के। तो प्रूव हो गया आपका अगर प्रूव करना है शो करना है। क्वेश्चन आपके सामने है कोई डाउट आप पूछ सकते हो।